सो हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में अपन करने वाले कुछ इस तरह की फ़ोटो एडिटिंग, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर। तो गाइज काफ़ी अच्छी एडिटिंग है और काफ़ी आसान है। तो गाइज बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइज बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज सबसे पहले आपको लाइट रूम ऐप ओपन कर देना है, देन यहाँ पर ऑल फोटो पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और सबसे पहले आप जो भी फ़ोटो एडिट करना चाहते हो उसे सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं इस फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके गाइज। और उसके बाद क्या, तो देख सकते हैं हमारी फ़ोटो जो है कुछ इस तरीके से हैं। तो अपन इस फ़ोटो को एडिट करने वाले हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको लाइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, और उसके बाद आपको कंट्रास्ट को कर देना -10 के आसपास, ओके गाइस। और हाईलाइट को आपको -20 के आसपास रख देना है। शेडो को कर देंगे अपन इनक्रीज, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इतना इनक्रीज कर देना। एंड वाइट को 10 पर रख देना। उसके बाद आपको आ जाना है नेक्स्ट ऑप्शन कलर पर। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, और सबसे पहले आपको टिंट को कर देना है, यहाँ पर देख सकते हैं आपको इंक्रीज कर देना है। तो यहाँ पर मैं 6 पर रख देता हूँ, ओके गाइस। और वाइब्रेंस को अपन कर देंगे इंक्रीज, तो यहाँ पर मैंने इतना इंक्रीज कर दिया, ओके गाइस। एंड सेचुरेशन को भी इंक्रीज कर देंगे। तो गाइस उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपको कलर मिक्स टूल्स पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, और सबसे पहले आपको रेड कलर की सेचुरेशन को कर देना इंक्रीज। तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ, तो देख सकते हैं आपको इतना इंक्रीज कर देना। उसके बाद आपको आ जाना है सिंपली ऑरेंज कलर पर, और इसकी सेचुरेशन को कर देंगे अपन -। तो उसके बाद इसकी लुमिनस को कर देंगे अपन इंक्रीज, ताकि हमारा फेस जो है ब्राइट हो जाए, ओके गाइस। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ इतना इंक्रीज, 66 रख दिया, ओके गाइस। उसके बाद आपको आ जाना है येलो कलर पर, और इसकी ह्यू को कर देना -100, एंड सेचुरेशन को भी -100 कर देना। लुमिनस को अपन 50 के आसपास रख देंगे, ओके गाइस। और उसके बाद आपको आ जाना है ग्रीन कलर पर। तो गाइस इसके ह्यू को कर देंगे अपन +100, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ। एंड सेचुरेशन को भी +100 कर देना, ओके गाइस। एंड लुमिनस को हल्का सा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ 16 पर। उसके बाद आपको आ जाना है शान कलर पर, और इसकी ह्यू को कर देंगे अपन +100, एंड सेचुरेशन को भी +100 कर देना। एंड लुमिनस को हल्का सा माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर मैं रख देता हूँ 20 के आसपास। उसके बाद आपको आ जाना ब्लू कलर पर, इसकी ह्यू को कर देंगे अपन -, तो यहाँ पे मैं 30 के आसपास रख देता हूँ। एंड सेचुरेशन को भी -, कर देना। तो यहाँ पे मैंने 50 के आसपास रख दिया। उसके बाद आपको कर देना है यहाँ से डन, और नेक्स्ट ऑप्शन इफेक्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद इसके टेक्स्चर को कर देना -10 के आसपास, एंड क्लेरिटी को भी इंक्रीज कर देना। तो यहाँ पर मैं 10 के आसपास रख देता हूँ, ओके गाइस। और विंटेज को अपन -, की तरफ कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 30 के आसपास रख दिया, ओके गाइस। और उसके बाद इसके फीदर को हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट ऑप्शन डिटेल पर आ जाएंगे, और इसकी शार्पनिंग को कर देंगे अपन इंक्रीज। उसके बाद नॉइस रिडक्शन को अपन इंक्रीज कर देंगे, ताकि हमारा फेस जो है काफ़ी स्मूथ हो जाए। तो गाइस उसके बाद अपन नेक्स्ट ऑप्शन फिर से कलर पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर कलर ग्रेडिंग का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देना है। तो गाइस यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन दिए गए, जैसे शेडो है, मिड टोन है, हाईलाइट हैं, और ग्लोबल हैं। तो गाइज आपको हाईलाइट पर आ जाना है, ओके गाइज। और यहाँ पर बीच में से पकड़ कर आपको ब्लू वाले सर्कल में लाके इसे छोड़ देना है, और उसके बाद नीचे स्क्रॉल कर देना है, और यहाँ पर इसकी लुमिनस को कर देना आपको -, की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 35 रख दिया, 35 के आसपास। और इसकी ब्लेंडिंग को कर देंगे अपन इनक्रीज। तो उसके बाद अपन यहाँ से कर देंगे सिंपली डन। तो गाइज देख सकते हैं यहाँ पर मैं डन कर देता हूँ। तो गाइस हमारी फ़ोटो जो है कम्प्लीटली एडिट हो चुकी है, देख सकते हैं आप काफ़ी अच्छी बन चुकी है। तो गाइस कैसी लगी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और हमारे वीडियो को लाइक करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।